हम बोले वो समझ के तुम लिख लो। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे, जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे, और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराया? वहां नहीं है ना, देखो इंडिया अलायंस जा है वहां ले, अब कश्मीर जम्मू में अलायंस है, वहां हरियाणा में ऐसा कोई नहीं था कोई अलायंस वाले, एक हमारे साथ कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट को हमने दिया था, ऐसा कुछ नहीं। देखो जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं, वो छोड़ दो हम देख लेंगे सब मिलके। अभी फ्रेश कंप्लेंट जो है, अब हम तो पूरा कोशिश करेंगे, हम तो उनके लिए स्टेटहुड के लिए पूरा लड़ेंगे। अभी मोहन भगवत, देखो कोई देश अत्याचार नहीं करना चाहिए दूसरे देशों में, माइनॉरिटीज को हम जैसा सेफगार्ड करते हैं हिंदुस्तान में, वैसा ही सेफगार्ड करने का उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेना चाहिए, और वहां पर जितने भी माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ये सारे लोगों को हिफाजत करना चाहिए, ये उनका फर्ज होता है, और ये अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा नहीं और जो हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छा नहीं। अरे तुम ये करने वाले ही बांट रहे ना, जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें, संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को सिखा रहे हैं। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस एक अर्बन नक्सल का गैंग, और उनका हमेशा कहना वही है, अभी भी वही कहते हैं, अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं, तो अर्बन नक्सल, तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं, तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं, और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जाजा है, वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है, और ऊपर से ये बात भी उन्हें कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर अन्याय, क्या हुकूमत हमारी है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की, तो देश के बारे में कम बोलते हैं, लोगों के बारे में कम बोलते हैं, पार्टी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। चलिए बस लास्ट ईयर।